हनुमानगढ़ की बात करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि चुनाव को देखते हुए पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नियमित गश्त को बढ़ाने के अलावा बॉर्डर एरिया में भी नाकेबंदी की जा रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए मादक पदार्थ और अवैध राशि के परिवहन को लेकर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और अनेक स्थानों पर चेक पोस्ट भी बनाकर संदिग्ध वाहनों की जाँच पड़ताल की जा रही है। वहीं दीपावली के त्यौहार को देखते हुए शहर में यातायात व्यवस्था को चालू करने के लिए प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियां की जा रही है। सबसे पहले तो जो 144 के आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने डीएम साहब ने लगाए हैं तो उसकी पालना होगी, पूरी तरह से ही उसकी पालना करवाई जाएगी। दूसरा, पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉर्डर के ऊपर, हरियाणा बॉर्डर पे सब जगह पे नाकाबंदी की जा रही है और अवैध शराब, अवैध धंधों पर पुलिस की कार्रवाई की जा रही है और यही प्राथमिकता है कि चुनाव सही तरीके से हो, सही तरीके से कार्रवाई की जाए। और अभी बॉर्डर के ऊपर और सभी थानों में, पूरे सेक्टर के अंदर, पूरे ज़िले में श्रीमान एसपी साहब के द्वारा जो अभियान चलाए गए थे उस हिसाब से कार्रवाई अभी भी जारी है।